नमस्कार, मैं सविता चौधरी, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता, सभी जिले वासियों को नव वर्ष की एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सरकार द्वारा भवन निर्माण मजदूरों का ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मजदूरों को अपना पंजीकरण अब ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन मजदूर सरकार की इस बात से नाराज हैं और आज इसी बात का विरोध करने के लिए भवन निर्माण कामगार यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया और भिवानी के लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिला अध्यक्ष सुनील और कार्यकार अध्यक्ष धर्मवीर ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आज भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार ने अभी 26 तारीख को एक आदेश पारित किया है, जिसमें ये जो निर्माण मजदूरों के लिए जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उसकी तमाम सुविधाएं, नवीनीकरण, पंजीकरण, तमाम चीज़ों को सरकार ने एक आदेश में ऑनलाइन कर दिया है। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि पहले की तरह ऑफलाइन कार्य शुरू हो और जो सरकार ने जो ऑनलाइन का जो आदेश लिया है वो तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के हम आज का प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले बीर सिंह पार्क में जो हम इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से एक डीसी को ज्ञापन देंगे जो लोकल मांगों को लेकर के, इसके अलावा जो ऑनलाइन को लेकर के जो हमारा स्टेट लेवल का जो मांग पत्र है वो हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। और आज का हमारा जो प्रदर्शन है, सरकार की जो एकदम तानाशाही फरमान है, ये लेटर एकदम रात को जारी कर दिया, उन सभी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। इससे पहले हमारी बात अधिकारियों से भी हुई थी, आपके जितने भी फार्म छात्रवृत्ति के हम इस महीने में ले लेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो। लेकिन सरकार ने जो ऑनलाइन का काम ये किया, एक तो दफ्तर वहाँ बना दिया, मजदूर को पता ही नहीं कहाँ पे दफ्तर है। एक ऑफलाइन का जो ऑनलाइन का जो ढकोसड़ा है, ऑनलाइन का फार्म जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो रहा। अभी मजदूर इतने छोटे समय में कैसे अपना फार्म जमा करवा पाएंगे, और मजदूरों को पता भी नहीं कि वह फार्म कहाँ और कैसे होते हैं, कितनी फीस उसकी लगती है। हमारा रोष इसलिए है कि ऑनलाइन की व्यवस्था जो है, कई बार तो नेट ही नहीं चल पाता, तो कई दिनों तक वो नेट नहीं चलता तो उनकी साइडें नहीं खुलती। और भवन निर्माण का मजदूर का पंजीकरण इतना है कि साइडें जब चलेंगी नेट के ऊपर तो इनका नेट जो है वैसे वापस ही अपने आप ही हैंग हो जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर ऑनलाइन करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करे, अपने महकमे के द्वारा व्यवस्था करे, ताकि मजदूर को बाहर की दुकानदारियों से बचा जा सके। मजदूर यूनियन की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार को ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना ही है तो पहले पूरे काम की व्यवस्था कर दी जाए, ऑनलाइन प्रक्रिया की फीस तय की जाए ताकि दुकानदार मजदूरों को ठग ना सके। वहीं सरकार को ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो 7 और 8 जनवरी को राष्ट्रीय हड़ताल की जाएगी। सत्य खबर के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।